मैं सुबह दूध के साथ एटम बम जो है खाती हूँ, जो मैं खतरनाक हूँ, बताओ मुझे हैं? नहीं 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 क्या? अच्छा तुम्हें अब खतरनाक बीवी बनके मैं दिखाऊंगी बिला, तुम टेंशन ना लो। मेरी जबान जो है वो वैगन है जो पिंडी सवारियां उतारने जाती है बिलाल, हैं? नौ नंबर वैगन है जो सवारियां उतारने जाती, क्या मतलब है? तुम जब से आए हो तुम्हें मैं मत्था लगा रहे हो, जब से आए तो मेरे साथ मत्था लगा रहे हो। यार बिलाल बाकी बातें तो सब ठीक है, लेकिन मैं परेशान हो जाती हूँ कभी कभी ना इस चीज को देख कर। ये क्या है? किसकी निशानी है बिलाल? तो कोई बात नहीं, अगर बिलाल तुमने तेल ज्यादा डाल दिया तो खैर है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे घर तो मुफ्त में तेल आता है ना, कंपनी वाले हमें मुफ्त में तेल भेजते हैं। पूरे मोहल्ले में मेरा सोन की तारीफें होती थी, पूरे मोहल्ले में लोग कहते थे हाय इतनी सोनी है, पूरे मोहल्ले जैसे वर्गा सोना नहीं जमया। बिलाल निकलो यहाँ से। बिलाल मेरा तो जब बाद में करोगे ये अपने बटन बंद कर लो। तुम्हें सेंस नहीं है बात करने की? तुम्हें भड़ों से बात करनी नहीं आती बिलाल? नहीं तुम्हें भड़ों से बात करनी नहीं आती? दोबारा मुंह ना लगना मेरे, मुंह ना लगना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं ज़ुबैदा बिलाल और आप देख रहे हैं ज़ुबैदा बिलाल व्लॉग। उम्मीद है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली खैर आफिस से होगी। अल्लाह ताला आपको ऐसी हंसता हुआ बसता हुआ अपने अपने घरों में रखे, आमीन। तो गाइज आज का जो व्लॉग है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, लेकिन आप लोगों ने व्लॉग पूरा देखना है। मैं कुछ नहीं बताऊँगी क्या इसमें स्पेशल है, क्या आपको मज़ा आएगा, लेकिन स्किप करके नहीं देखना, पूरा व्लॉग देखना है। तो चले व्लॉग का स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है आज जल्दी से? कोई रिवाज नहीं है आप लोगों के चैनल सब्सक्राइब करने का, या जल्दी से आज मेरे चैनल पर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से फटाफट से शकाशक से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें, और आखिर में अपनी बहन को अच्छा सा कमेंट्स करें। चलें जी व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, बिलाल जो है साथ वाले बेडरूम में सोए हुए हैं और इतनी प्यारी नींद सोए हुए हैं, हालांकि मैं भी सोई हुई थी और जैसे ही मैंने करवट ली तो मैंने देखा कि बिलाल भी जो है ना उलट पुलट होके सो रहे हैं, बेसुध होके सो रहे हैं। तो मैंने फ़ौरन अपनी नींद को तो किया हराम और मैंने जो है ना अब उनकी नींद करनी है हराम। और आज बिलाल को मैंने इतना तंग करना है कि बस ना ही पूछें, कि मैंने बस उनको जीने नहीं देना आज। अब वो सोए हुए हैं और मैं फ्रिज में से जो है ना वो बर्फ निकालूंगी, और बर्फ निकाल के और फिर उसका गोला बनाऊंगी और बिलाल की शर्ट में डालूंगी। तो चले हम जल्दी से बर्फ निकालते हैं। ओके गाइस, मैं ना ये जो बर्फ होती है ना फ्रिज के ऊपर दीवारों पे लगी होती है, इसको खुरच के मैं उतारूंगी, क्योंकि अगर मैंने ये वाली बर्फ तोड़ी ना तो पता चल जाएगा खड़क की आवाज से। तो मैं जल्दी से बर्फ खुरचती हूँ। ओके गाइस, बिलाल सोए हुए हैं और मैं जा रही हूँ। ओए यार, ये अब तुम देखना मत मजाक करता क्यों बिलाल? मेरा तो जब बाद में करोगे ये अपने बटन बंद कर लो। ओके गाइस, यहाँ पे जो है मैं बच्चों के लिए जो है ना बर्गर बनाने लगी थी, और ये बर्गर पैटीज जो है ये मैं फ्राई कर रही हूँ, और उसके बाद यहाँ पे बर्गर भी मैंने एक साइड पे जो है ये रख लिए हैं, और ये बर्गर के अंदर जो बंद गोभी और ये खीरा वगैरह जो आएगा ना, खीरा वगैरह 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 ये जाएगा, ये भी मैंने कट कर ली है, और ये केचप भी मैंने यहाँ पे डाल लिया, और ये मायनीज जो है ये भी मैंने डाल ली। चार बर्गर हैं, अब इसमें से जो एक बर्गर है वो मेरा है, तीन बच्चों के हैं, और बिलाल जो है उनको बर्गर मैंने नहीं देना, क्योंकि बिलाल की जो है ना जबान काफ़ी चलती है, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मज़ा बस, ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझसे बात करो। ओके, उस पर भी मेरे अब्बू जी किसी का भी बल्कि नाम नहीं है, ज़ुबैदा बीबी नाम लिखा हुआ है, बिलाल नहीं लिखा हुआ। हाँ अल्लाह ताला ऐसी खतरनाक बीबी किसी को भी ना दे। क्या मतलब? मैं सुबह दूध के साथ एटम बम जो है खाती हूँ, जो मैं खतरनाक हूँ, बताओ मुझे हैं? नहीं 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 क्या? अच्छा
तुम्हें अब खतरनाक बीवी बनके मैं दिखाऊंगी बिला, तुम टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, मैं बताऊंगी तुम्हें। कैसी इसकी जुबान चलती है, जुबान ना चलाओ, हाथ चलाओ, हाथों को चलाओ। मेरी जबान जो है वो वैगन है जो पिंडी सवारियां उतारने जाती है बिलाल, हैं? नौ नंबर वैगन है जो सवारियां उतारने जाती, क्या मतलब है? जब से आए तो मेरे साथ मत्था लगा रहे हो, मत्था लगा रहे। बिलाल किचन से बाहर जाओ, मैं ये बर्गर छोड़ दूंगी, किचन से बाहर चले जाओ। शुक्र नहीं करते कि मेरे घर वालों ने तुम जैसे को रिश्ता दे दिया मेरा। पूरे मोहल्ले में मेरा सोन की तारीफें होती थी, पूरे मोहल्ले में लोग कहते थे आए इतनी सोनी है, पूरे मोहल्ले जैसे वर्गा सोना नहीं जमया। बिलाल निकलो यहाँ से, निकलो, मैं मारूंगी। 10 दफा तुम्हें ऑफिस फोन करो, बिलाल ये ला दो, ये ला दो, तुम्हें याद नहीं रहता तुमने कोई चीज लेके आनी है। घर आ जाते, मुझे ये बताओ तुम घर करने के आते हो, तो वहीं पे बिस्तर लगा लो ना, वहीं पे बिस्तर लगा लिया करो। घर में कौन है तुम्हारा, घर में आने की जरूरत नहीं है बिलाल, जो दो तीन घंटों के लिए तुम घर आते हो। ये बिस्तरे जो है ना मेरी अम्मा ने दहेज में दिए हैं, तुम लेके आओ अपनी अम्मा से बिस्तरे। हाँ बिस्तरे भी मत्थे लगते हो खामोखा बिला, मेरे बर्गर का टेस्ट खराब ना करो, मेरे बर्गर का टेस्ट खराब ना करो, हमने खाने हैं बर्गर खामोखा, तुम जाओ किचन से बाय। ओके गाइस, बिलाल जो है वो ऊपर वाले पोर्शन में मैंने उनको कुछ लेने के लिए भेजा है और जानबूझ के लेने भेजा है। अब जैसे ही वो नीचे आएंगे और यहाँ से जैसे ही वो निकलेंगे मैं उनको करूंगी हाउ। बदतमीज बेशरम, तुम्हें सेंस नहीं है बात करने की, तुम्हें तुम्हें भड़ों से बात करनी नहीं आती बिलाल, नहीं तुम्हें भड़ों से बात करनी नहीं आती, दोबारा मुंह ना लगना मेरे, मुंह ना लगना। वैसे एक बात है गाइस कि बंदा जो है ना मर्दों को थोड़ा सा डरा देना तो कम से कम थोड़ी सी लड़ाई हो जाए तो फिर मर्द हजरात जो है ना वो किचन में खाना बनाना शुरू कर देते हैं कि हम पाल लेंगे अपने बच्चे। ये दही पहले डालना था, चुडू ये दही जो है ना ये पहले डालना था, तुमने जब कढ़ाई को भून लिया था तब तुमने दही डाला है बिलाल, है? गाइस इसको हमने हल्के हाथों से ना मिक्स करना है, जुबैदा बिलाल की नकल उतार रहे हैं, बिलाल कैसे बोला गाइस इसको ना हमने अभी मिक्स करना, मिक्स करो, हाथ टूटे हुए बिलाल, हाथों में जान नहीं है, क्या लल्लुओं की तरह लगे हुए, लल्ले ही हो तो लल्ले ही हो बिलाल, लल्ली का लल्ला, लल्ली का लल्ला नहीं, मैं लल्ली नहीं हूँ, तुम लल्ले हो बिलाल, बलल्ली नहीं बल्ले, खबरदार मुझे बलल्ली बोला बिलाल, तुम्हारे पूरे घर को संभाला हुआ, तुम्हारे बच्चों को पाल रही हूँ मैं, तेल ज्यादा तुम करोगे देखना, तो कोई बात नहीं, अगर बिलाल तुमने तेल ज्यादा डाल दिया तो खैर है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे घर तो मुफ्त में तेल आता है ना, कंपनी कंपनी वाले हमें मुफ्त में तेल भेजते हैं। यार बिलाल बाकी बातें तो सब ठीक हैं, लेकिन मैं परेशान हो जाती हूँ कभी कभी ना इस चीज को देखकर ये क्या है, ये किसकी निशानी है बिलाल, ये किसकी निशानी है बिलाल, मुझे पहले ये बताओ ये निशानी किसकी है। ओके गाइस, यहाँ पे जो बिलाल हैं उन्होंने ये चिकन कढ़ाई जो है फाइनली बना ली है, और मेरा बहुत दिल कर रहा है कि ये नमक का डिब्बा जो पड़ा हुआ है ना, दिल तो कर रहा है कि 5-6 चमचियाँ भर कर ना ये और सारी मैं इस कढ़ाई में जो है ना वो डाल दूँ, मज़ा आ जाए यकीन जाने। लेकिन फिर वो क्या है ना कि बच्चों ने भी कढ़ाई खानी है, अपन ने भी खाना खाना है, तो फिर क्या करेंगे, कढ़ाई जो है सारी ख़राब हो जाएगी और इसको ज़ाया नहीं करते, इसलिए मेरा पहले दिल किया था कि इन्होंने कढ़ाई बनाई है और बिलाल जो हैं वो नान लेने गए हैं, तो मैं इस कढ़ाई में जो है ना 5-6 चमचियाँ नमक की डाल के ना बस छोड़ दूँ, जब खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा और फिर लड़ाई का एक और मौका हाथ मेरे आ जाएगा कि ये तुमने क्या किया, सारा चिकन ख़राब कर दिया, कढ़ाई का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर चले, हम इसको बख्श देते हैं और इसको दोबारा जो है हम डाल देते हैं। ओके भाई, आज बिलाल को मैंने इतना तंग किया कि बस मैं यहाँ पे आप लोगों को बता नहीं सकती, और कुछ क्लिप ऐसे भी थे जो मैंने यहाँ पे मतलब अपने व्लॉग में नहीं ऐड किए, वो इसलिए कि उसमें मेरी एक तो बिस्ती बहुत ज़्यादा हो गई थी कि यानी इस हद तक मैं चली गई थी कि अगर ये ऊपर टेरेस में जाके बैठे हैं तो मैंने सबसे ऊपर वाली छत पे जाके और ठंडा पानी जो है ना उसमें सही तरह से बर्फ़ के क्यूब्स डाल के उसको ठंडा किया और वो वाला पानी ऊपर से नीचे इनके ऊपर टेरेस में मैंने फेंक दिया,
और इतनी मेरी बेइज्जती हुई और लड़ाई इतनी ज्यादा हो गई कि बस ना ही पूछें। लेकिन आज तो मैंने बिल्कुल ही एंड कर दी और बहुत से क्लिप मैंने अपने व्लॉग में नहीं लगाए क्योंकि उसमें उल्टा मेरी ही बेइज्जती होनी थी और मेरी तमाम ऑडियंस जो है ना वो मेरे खिलाफ हो जाती। उन्होंने मुझे ही बातें सुनानी थी कि आप ही आप इतनी बदतमीज़ हैं, अपने हस्बैंड के साथ इस तरह के मजाक करती हैं, इस तरह के प्रैंक करती हैं। तो इसलिए वो मैंने क्लिप जो है ना वो इसमें ऐड नहीं किए। और यहाँ तक कि बिलाल ने चिकन कढ़ाई बनाई और फिर हुआ ये कि मैंने चिकन कढ़ाई में तो नमक ऐड नहीं किया, लेकिन जब ये खाना खाने लगे हैं मैंने इनकी प्लेट में जो सालन था जहाँ से नवाला लगा रहे थे किचन में गए कोई चीज़ उठाने और मैंने उस जगह के ऊपर नमक काफ़ी ज़्यादा डाल दिया। जब इन्होंने वो नवाला मुँह में डाला तो वो जहर की तरह कड़वा था, तो उससे हमारी बात बिगड़ती इतनी होगी कि इन्होंने अपना खाना जो है वो भी छोड़ दिया और बस लड़ाई जो है ना बहुत ज़्यादा होगी। अब इनको बहुत मुश्किल से मैंने मनाया है, अपनी ऑडियंस के सामने वादा करती हूँ आज के मैं इतना तंग नहीं करूँगी, यकीन जा रहे हैं। और तुमने मुझसे कोई बदला नहीं लेना, देखो मैं नहीं मैंने तुम्हें सॉरी बोल दिया है, सॉरी बोल दिया यार। देखे मैंने इनको बिलाल मैंने तुम्हें सॉरी बोला है, मैं तुम्हें सॉरी बोला है, मैंने तुम्हें कह दिया है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। किस दिन के बाद ये तो गलत बात है यार। देखे मैं तमाम ऑडियंस के सामने इनसे माफी मांग रही हूँ कि ये देखे मैं माफी कान पकड़े के मेरे दूसरे हाथ में मोबाइल है, मेरे दूसरे हाथ में मोबाइल है, दूसरे हाथ से मैं पकड़े थे, इधर से तुम पकड़ लो मेरा कान। यकीन जाना मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी, बस तुमने बदला नहीं लेना। तुम यहाँ पे आके तमाम ऑडियंस को बताओ ना, मैं यहाँ सबको बताऊंगी तुमने बदला नहीं लेना मुझसे, बदले की आड़ नहीं होगी, तुमने बदला नहीं लेना। मैंने सॉरी बोल लिया है और मैंने कोई ठंडा पानी पिया बिलाल, मैं जल जाऊंगी, सड़ जाऊंगी, फिर क्या करोगे? सड़ जल जाऊंगी मैं, सड़ जल गई तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल होगी, तुम्हारे बच्चों को कौन संभालेगा, तुम्हारे घर को कौन संभालेगा? खैर यार हमारी लड़ाई खत्म हो गई है और जो खाना हमने अब दूर दूर बैठ के खाया, सॉरी बिलाल आई लव यू, अब बस तुमने मुझसे बदला नहीं लेना यार, मुझसे बदला मुझसे बदला नहीं लेना बिलाल, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे पता है मैं डरती हूँ पानी से मेरे को पानी नहीं फेंकना तुमने। चले जी गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।